Hi, assalamu alaikum and welcome back to my channel SF Vlog. What's up everybody? Today I'm talk about 5 looks of Aisha Khan in Mere Paas Tum Ho, जो कि बहुत ही खूबसूरत और हसीन ड्रेसेस थे जो कि आयज़ा ख़ान के पहनने के बाद और भी खूबसूरत हो गए। फर्स्ट पे बात करेंगे, फर्स्ट नंबर पे आयज़ा ख़ान के निकाह का, जो शहवार के साथ निकाह था और नहीं हुआ। सो उसमें जो उन्होंने वेयर किया था वो था ज़ैनब चौथानी का। कहा जाता है कि 6 लाख से 10 लाख तक की का प्राइस था इसका, ज़ैनब चौथानी का ये ड्रेस जो कि वेयर किया था इन मेरे पास तुम हो में आयज़ा ख़ान ने, जो कि बहुत ही खूबसूरत और हसीन लग रही थी। जिस पे ये भी कहा गया था कि इतना तैयार किया गया आयज़ा ख़ान को जस्ट एक थप्पड़ मारने के लिए। सो आजकल बहुत ज़्यादा जो है ना, इन बहुत ही ज़्यादा मेरे पास तुम हो कितने रैंक तोड़ दिए हैं जी, चाहे वो इंस्टा हो, यूट्यूब हो, सुपर बहुत ही अच्छा ड्रामा किया है ये। इन माई फेवरेट दानिश का रोल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और पाकिस्तानी हर लड़की को बहुत पसंद आया दानिश का रोल। और बात की जाए आयज़ा ख़ान के इस ड्रेस की, तो बहुत ही खूबसूरत और हसीन ड्रेस था। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सा नफीस सा काम हुआ हुआ है। और ज़ैनब चौथानी का ये ड्रेस था, बहुत ही खूबसूरत और हसीन बना दिया था इस ड्रेस को आयज़ा ख़ान ने जब उन्होंने ये वेयर किया, और बहुत ही हसीन और ख़ूबसूरत लग रही थी। जो एक्टिंग थी इसमें आयज़ा ख़ान की वो बहुत ही आला किस्म की थी और बहुत ही अच्छे से इन्होंने अपना किरदार निभाया। रैंकिंग तोड़ दिए हैं जी, चाहे वो यूट्यूब हो, इंस्टा हो, जो भी हो, पाकिस्तानी ड्रामा मेरे पास तुम है ने जितने भी रैंकिंग थे वो तोड़ दिए हैं और बहुत ही अच्छा गया है। लास्ट एपिसोड रह गया है इसका जो कि सैटरडे को आएगा और वो सिनेमा हॉल्स में भी लगेगा, और बहुत ही अच्छा गया, ये टॉप पे गया है उमैया सईद का ये ड्रामा। और यहाँ पे जो ड्रेस है ना वो नंबर 2 पे आ जाते हैं। नंबर 2 पे जो है वो माय फेवरेट, बिकॉज के मुझे बहुत अच्छा लगता है आयज़ा ख़ान के ऊपर वाइट कलर। और यहाँ पे इनका बर्थडे भी था, विश यू हैप्पी बर्थडे आयज़ा ख़ान। एंड इनका ये जो ड्रेस है ना वो आई थिंक चिकनकारी टाइप का कुछ फ्रॉक है और बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही खूबसूरत। और मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा इनकी ज्वेलरी कलेक्शंस और इनका पहनने का अंदाज़, और उसको 4 चांद लगा दिए जी आयज़ा ख़ान ने। और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन थे ये, बहुत ही अच्छा और ख़ूबसूरत सा काम हुआ है। आगे आप देखेंगे भी ये आयज़ा ख़ान के बर्थडे का केक की पिक है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। और यहाँ पे आयज़ा ख़ान ये सैटरडे को जो इनका स्पेशल एपिसोड के बारे में डिस्कस आई थी ARY डिजिटल पे, वहाँ पे ये इनका शूट था और बहुत ही खूबसूरत। देखें यहाँ पर पूरा ड्रेस, आप यहाँ ज्वेलरी कलेक्शन देखे, ज्वेलरी भी इन्होंने कितनी खूबसूरत सी। और मैंने हमेशा देखा है कि आयज़ा ख़ान के साथ नेकलेस जो है वो बहुत ज़्यादा उनकी पर्सनैलिटी को और उभार देते हैं। सो ये आपके ऊपर होता है कि आप किस तरीके से अच्छे लग सकते हैं। और इनका ये जो ड्रेस है ना, इसको तो मैं कॉपी करने वाली हूँ जी, और बहुत ही अच्छा लगा है मुझे पर्सनली इनका ये ड्रेस, बहुत पसंद आया है। होप के मैं इस टाइप का कुछ सिलवा सकूँ। हर पाकिस्तानी लड़की के दिल में होगा कि ये फ्रॉक हमें भी वेयर करना चाहिए, बिकॉज कि बहुत अच्छी लगी है इनके ऊपर। और यहाँ पे आप देखें, लुक लाइक्स एवरीथिंग इज़ वेल गुड, बहुत अच्छा था सब कुछ। और कलेक्शंस भी अच्छी थी इस पे, इनका मेकअप, इनका नेल पेंट और सब चीज़ें जो भी थी वो आयज़ा ख़ान के ऊपर बहुत ही अच्छे से सूट कर रही थी और बहुत अच्छे से कैरी ऑन किया था इन्होंने इस ड्रेस को। मेटल टाइप ज्वेलरी है जो कि आम लोकल मार्केट से भी आपको सेम एज इट इज़ ऐसी ज्वेलरीज मिल जाती हैं, नॉट आर लोकल मार्केट वेयर, बिकॉज के इन्होंने जो पहनी है वो ज़ाहिर है कोई ब्रांड होगा, कुछ होगा, बट ये है कि आपको इस टाइप की अगर आप कोशिश करें तो आपको ऐसी ज्वेलरीज मिल जाती हैं आराम से। ख़ासकर तारिक रोड पर कराची में बात की जाए तो वहाँ भी ऐसी ज्वेलरीज होती हैं। दैन थर्ड नंबर पर आते हैं, थर्ड नंबर पर जो वेयर किया है इन मेरे पास तुम हो में वो है जी ये रेड कलर का ड्रेस इनका, जो कि बहुत ही खूबसूरत और हसीन ड्रेस है इनका। इसमें भी इनके जो शर्ट है उसका डिज़ाइन अनारकली टाइप कुछ फ्रॉक डिज़ाइन है जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है इनके साथ। और यहाँ पे इनकी ये ज्वेलरी कलेक्शंस, गोल्डन ज्वेलरी वेयर की है इन्होंने इसके साथ। और बाल हमेशा की तरह आयज़ा ख़ान जो हैं वो जितने भी ड्रामास हैं उसमें मैंने यही देखा है कि आयज़ा ख़ान सिंपल सा हेयर स्टाइल रखती हैं, ज़्यादा हैवी हेयर स्टाइल नहीं होता। तो ये चीज़ होती है कि जो आप अपना बैलेंस कर सकते हैं, अगर आपका हैवी ड्रेस है तो आप हेयर स्टाइल कम कर लें, मेकअप कम कर लें। देन 4 नंबर पे आ जाते हैं,
फोन नंबर पे यहाँ पे इनका है जी, जो इन्होंने अपनी फ्रेंड की शादी में वेयर किया था आई थिंक। और मेरे पास तुम हो में जो आगे से कुछ ओपन शर्ट टाइप फ्रॉक था, और उसके साथ रेड कलर का ये दुपट्टा, बहुत ही खूबसूरत सूट था ये भी इनका, गोल्डन टाइप कुछ काम हुआ हुआ है इसमें, या फिर स्किन कलर का है इस टाइप का कुछ, मुझे तो ये वाइट और क्रीमी टाइप लग रहा है कुछ, और बहुत प्यारा काम था। जितने भी आज़ा खान के ड्रेस थे उनमें से ये मैंने 5 सिलेक्ट किए हैं, बिकॉज़ कि मुझे पर्सनली बहुत पसंद आए थे इनका काम। और आप ये इनका नेकलेस भी देखिए, गोल्डन कलर का इन्होंने इस पे वेयर किया है। जितने भी नेकलेस हैं आयजा खान के इन मेरे पास तुम हम में, वो सारे जो हैं बहुत ही खूबसूरत और हसीन हैं। और यहाँ पे ये देखिए गोटे का कुछ काम हुआ हुआ है दुपट्टे के ऊपर, इस तरीके के आप खुद भी दर्जी से डिज़ाइन करवा सकते हैं। देन 5 नंबर पे आ जाते हैं, 5 नंबर पे इनकी इन मेरे पास तुम हमें ये फ्रॉक थी, जो कि ब्लैक के कॉम्बिनेशन के साथ वाइट था, और वाइट तो आयजा खान पे लगता ही बहुत प्यारा है। सो इजाज़त चाहूँगी आप सबसे, आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो मेक श्योर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।